हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले आईपीएल के नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, इन दो टीमों के बीच में। दोस्तों, ये मैच शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, ठीक है? तो बढ़िया मैच है, मजेदार मैच है और मजेदार पिच पे ये मैच होगा। जिस तरीके से बैंगलुरु की पिच होती है, दोनों टीमों की जैसे बैटिंग ऑर्डर है, यहाँ पे बहुत रन बनते हुए दिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने हैदराबाद में देखा, उस तरीके का नहीं बट उस हिसाब से रन बन सकते हैं और बन भी सकते हैं उस तरीके के, बिकॉज छोटा ग्राउंड है कंपेयर टू हैदराबाद, पिच बहुत अच्छी होती है। सो मजा आएगा इस मैच में, ठीक है? हम इस मैच में कवर करेंगे ऑब्वियसली पिच रिपोर्ट, फिर हम लोग कवर करेंगे सारे प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म, फिर प्लेयर मैचअप्स हम लोग कवर करेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे ड्रीम टीम, एंड देन फिर हम लोग एक्सचेंज 22 की पिक्स की भी बात कर लेंगे। गेम चेंजेस पे फोकस करेंगे कल के वाले मैच में। देखो तो मैंने बोला था ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप करो, आप ऋषभ पंत को ड्रॉप करो, आप संजू सैमसन को ड्रॉप करो, तीनों फ्लॉप होंगे। तीनों फ्लॉप हुए, तीनों ने कुछ खास पॉइंट्स दिए नहीं, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ पिक्स जो बड़े पिक्स है जिनका सिलेक्शन हाई है बट वो फ्लॉप हो सकते हैं इस मैच के में, उसके ऊपर हम लोग मेनली फोकस करेंगे, जो आपको ग्रैंड लीग डेफिनेटली जिताएंगे। तो ऐसे पिक्स के ऊपर मेनली फोकस करो, वीडियो पे बने रहो और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, रेगुलरली हम लोग कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और फाइनल अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलते हैं आफ्टर द टॉस। तो आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पे मिलेगी, पिंड कमेंट पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आ जाओ जल्दी से, ठीक है? बढ़ते आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पिच रिपोर्ट के बारे में, पिच रिपोर्ट की बात करें तो देखो, यार बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि फ्लैट विकेट होती है, बहुत रन पड़ते हैं, बहुत रन पड़ते हैं। लास्ट सीजन की अगर बात करोगे तो 200 तो मल्टीपल मैचेस में बने, बट 54 विकेट स्पिनर्स को मिली, 25 विकेट सॉरी 54 विकेट पेसर्स को, 25 विकेट स्पिनर्स को। इस साल भी एक मैच ऑलरेडी हो चुका है, पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जहां पे पंजाब किंग्स ने पहले इनिंग में 176 बनाए थे, धवन ठीक लगे थे, और आरसीबी ने 178 बनाए थे, चेस किया था टारगेट को, जिसमें विराट कोहली ने 77 की जबरदस्त पारी खेली थी और आखिर में आके दिनेश कार्तिक ने अच्छा फिनिश किया था मैच को, ठीक है? तो पिच अच्छी बैटिंग करने के लिए उतनी फ्लैट नहीं थी जितनी यूजुअली होती है आरसीबी बेंगलुरु में। इस मैच में होगी क्योंकि सामने वाली टीम की स्पिनर्स बहुत स्ट्रांग है, तो अगर इन्होंने ट्रिकी पिच बनाई तो आरसीबी फंस जाएगी, तो वो एक अच्छी सॉलिड बैटिंग विकेट लाएंगे इस मैच में, ऐसा मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी, बात करेंगे हम लोग आरसीबी की। तो ये कुछ इस तरीके से आरसीबी के 12 प्लेयर्स रहे थे पिछले मैच में, ठीक है? पहले मैच में और लास्ट मैच में एक चेंज किया था, करण शर्मा को इन्होंने ड्रॉप किया था। पहले मैच में करण शर्मा थे, सेकंड मैच में ड्रॉप कर दिया था, ठीक है? और इंपैक्ट प्लेयर खेले थे महिपाल डोमरा पिछले मैच में, जिन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी, थोड़ी बहुत बैटिंग करी थी बट अच्छी बैटिंग करी थी, ठीक है? ओपन वही दोनों ओपन करेंगे, दोनों तगड़े प्लेयर्स है। मिडल ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, पिछले मैच में हुआ था, कैमरन ग्रीन को नंबर 3 पे प्रमोट किया गया था, रजत पाटीदार नंबर 4 पे गए थे, मैक्सवेल नंबर 5 पे चले गए थे, इस तरीके से बैटिंग ऑर्डर रही थी। मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाऊंगा कि इस मैच में भी अगर कैमरन ग्रीन वन डाउन आते हैं तो आई फील कि रजत पाटीदार इवन नंबर 4 पे अनुज रावत को प्रमोट कर सकते हो, महिपाल लोमरर को प्रमोट कर सकते हो, बिकॉज सामने बहुत अच्छी स्पिन अटैक है, नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है, ये सुयश शर्मा को भी ला सकते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये टीम स्पिन के सामने फंसती है। अनुकुल रॉय एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, गौतम गंभीर का माइंड काम कर सकता है, अनुकुल रॉय को लाया जा सकता है, क्योंकि ये टीम थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने फंसती है। लास्ट मैच में हरप्रीत दरार ने जबरदस्त बॉलिंग करी थी, मैक्सवेल को भी आउट किया था, रजत पाटीदार को भी आउट किया था। सो यू नेवर नो राइट, अनुकुल रॉय खेल सकता है। अनुज रावत नंबर 6 पे, देन दिनेश कार्तिक, देन महिपाल उमरा, अलजरी जोसेफ, मोहम्मद सिराज, मयंक डागर एंड यश दयाल, ये रहे थे इनके 12 पिछले मैच में। चेंजेस क्या हो सकते हैं तो ओवरसीज में अगर हम लोग चले तो अलजारी जोसेफ की जगह पे मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि लॉकी फर्ग्यूसन की जगह बन सकती है, और लॉकी फर्ग्यूसन को इन्होंने नहीं सोचा तो फिर रिस टॉपली की जगह बन सकती है। तो इन दोनों में से कोई डेफिनेटली इस मैच में खेलना चाहिए अलजारी जोसेफ के ऊपर। इंडियन टीम इंडियन साइड से आई डोंट थिंक कि लोकल साइड से और कोई चेंज होगा, वही टीम रहेगी, लोकल साइड से कोई प्लेयर चेंज नहीं होगा, ठीक है? बढ़ते आगे बात करते पिछले मैच, मतलब पिछले दो मैचेस टीम खेल चुकी है, पहला मैच हार चुकी है, सेकंड मैच जीत चुकी है, दोनों मैचेस में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फैफ डुप्लेसी ने पहले मैच में 35 बनाए थे, सेकंड मैच में सिर्फ 3 रन बना पाए थे। विराट कोहली ने पहले मैच में 21 की पारी, सेकंड मैच में 77 की मैच विनिंग पारी, जहां पे हमारे कैप्टन भी रहे थे। पाटीदार दोनों मैचेस में कुछ खास नहीं किया, मैक्सवेल के दोनों मैचेस में बैटिंग अच्छी नहीं रही है,
बट पिछले मैच में बॉलिंग से 2 विकेट्स निकाली थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस मैच में भी आपको कुछ और डालते हुए दिख सकते हैं, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडेड है, नीतीश रैना उससे पहले लेफ्ट हैंडेड है, वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडेड है, पहले मैच में तो सुनील नारायण से इन्होंने ओपन किया था वो लेफ्ट हैंड बैटर है, तो 4 लेफ्ट हैंड बैटर इनके टॉप 6 टॉप 7 में आ जाते अगर फिर से सुनील नारायण ओपन करते हैं तो। मैक्सवेल इंपॉर्टेंट विद द बॉलिंग, बैटिंग तो आपको पता है कि वो किसी भी मोमेंट पे आके बड़ी पारी खेल सकते हैं। कैमरन ग्रीन बैटिंग में दोनों मैचेस में कुछ खास नहीं किया, पिछले मैच में 1 डाउन भी आए थे बट कुछ खास नहीं किया था, 2 विकेट पहले मैच में निकाले थे, सेकंड मैच में विकेट लेस रहे थे, 2 ओवर में 19 रन दिए थे। अनुज राउत पहले मैच में 48 की बढ़िया पारी थी, सेकंड मैच में कुछ खास नहीं किया था। कार्तिक वर्ल्ड कप ईयर है तो भैया कार्तिक तो अच्छा करेंगे ना, तो कार्तिक ने 38 नॉट आउट पहले मैच में करे थे और पिछले मैच में मैच विनिंग 10 बॉल में 28 नॉट आउट करे थे, अगेन फिनिशिंग रोल किया था बहुत बढ़िया। ठीक है, लुमरा एज इंपैक्ट प्लेयर आए थे, 17 नॉट आउट बनाए थे इन्होंने 8 बॉल में। अल्जारे जोसेफ 2 मैचेस में खेले, सिर्फ 1 विकेट मिला है, रन पड़े हैं। सिराज का पहला मैच कुछ खास नहीं रहा था बट पिछले मैच में बोला था गेम चेंजर बनेंगे, इसी वेन्यू पे 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, पिछले 7-8 मैच आई थिंक इस वेन्यू पे ऐसे रहे जहाँ पे विकेट इनको हर मैच में मिला है, नोट करके चलिएगा। मयंक अगर 2 मैचेस में खेले, 2 मैचेस में विकेट लेस रहे। यश दयाल 2 मैचेस खेले, 2 मैचेस में इनको एक एक विकेट मिला है, मतलब 2 विकेट मिली, पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी करी है। करण शर्मा पहला मैच खेले थे 1 विकेट निकाला था, सेकंड मैच में इनको ड्रॉप कर दिया था, मोस्ट लाइकली इस मैच में भी नहीं खेलेंगे बिकॉज सामने बहुत सारे लेफ्ट हैंड बैटर्स है तो उनकी जगह नहीं बनेगी। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि मयंक डागर को भी इस मैच में ड्रॉप कर दिया जाएगा, ऑफ ब्रेक स्पिनर आ सकता है या तो कोई पेसर खेल सकता है या फिर कोई ऑलराउंडर खेल सकता है। ठीक है, किसी के स्टैट्स देखने हैं, रिसेंट फॉर्म देखने हैं, देख लो, जैसे कि मैंने बोला कि कोई ऑलराउंडर खेल सकता है तो वो आपके सामने है, दैट्स द मनोज भड़ांगे, इनको भी खिलाया जा सकता है, नोट करके चलिएगा। बढ़ते आगे बात करते हैं और कोई प्लेयर्स के बारे में, स्टैट देखने हैं, देख लो लॉकी फर्ग्यूसन देख लो, इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट, आईपीएल में 38 मैच में 37 विकेट से तगड़े फॉर्म से बंदा आ रहा है, डिफरेंशियल पीक रहेंगे। ठीक है, और कोई मुझे यहाँ पे खेलता हूँ मतलब ऑलरेडी खेल ही रहे हैं, रितेश टॉपली की जगह नहीं बनेगी मुझे लगता है। ठीक है, बाकी देखते हैं लोग क्या करते हैं, और कौन सा डिफरेंशियल प्लेयर आपके लिए रह सकता है, हिमांशु शर्मा, बट मुझे नहीं लगता है इस पिच पे खिलाया जाएगा। सौरव चौहान शायद दिख जाए, बहुत तगड़े फॉर्म में है, लगा था कि पहले मैच से ही ये खेलेंगे बट माइट भी इनको प्रैक्टिस में लगा होगा नेट में कि उतने अब तक रेडी नहीं है तो शायद नहीं खेले, और ये पिछले सीजन के स्टैट्स इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू स्क्रीनशॉट ले लो देख लो। ठीक दोस्तों, बात करते हैं अब हम लोग केकेआर की, तो कुछ इस तरीके से इनके 12 प्लेयर्स खेले थे पिछले मैच में। ठीक है, बढ़िया टीम लग रही थी, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था और ओवरऑल टीम जीत भी गई थी, सुनील नारायण से ओपनिंग करवाई थी, ऑब्वियसली गौतम गंभीर रिटर्न आ चुके एज अ मेंटर तो सुनील नारायण से ओपनिंग तो बनती है, तो नारायण ने ओपन किया था, फिलिप साल्ट वो उनके साथ ओपन को आए थे, बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी। अय्यर नंबर 3 पे, अय्यर वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे, नीतीश राणा, उसके बाद नंबर 6 पे आए थे रमनदीप सिंह, ठीक है, फिर रिंकू सिंह, फिर एंड्रयू रसेल, देन हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, सुयाश शर्मा खेले थे एज अ इंपैक्ट प्लेयर पिछले मैच में। ठीक है, क्या चेंजेस होंगे, देखो मोस्टली मुझे नहीं लगता कि इनके प्लेइंग 11 में चेंजेस होंगे, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अगर इनको चाहे तो ये लोग एक पेसर को खिला सकते हैं पिच को देखते हुए, बट मुझे लगता है सुयाश शर्मा के साथ ही ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस अनुकूल रॉय, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अनुकूल रॉय को खिलाया जा सकता है इस मैच में, नोट करके चलना, उसका रीजन बहुत सिंपल है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और आरसीबी के बैटर्स थोड़ा सा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले मैच में हुआ क्या था इनके ओर से, तो ये लोग जीते थे, सुनील नारायण ने ओपन किया था, 2 ही रन बनाए थे, 1 विकेट निकाले थे इन्होंने 4 ओवर में, साल्ट ने ओपन किया था 54 की बढ़िया पारी खेली थी अपने केकेआर के डेब्यू के लिए, वेंकटेश अय्यर ने 7 रन बनाए थे, सिर्फ श्रेयस अय्यर 0 पे आउट हुए थे, मैंने बहुत क्लियरली वीडियो में बोला था कि अय्यर को मत लेना, नहीं चलेंगे अय्यर, श्रेयस अय्यर नहीं चले थे। ठीक है, नीतीश राणा 9 रन की पारी खेली थी, फिर रिंकू सिंह ने 23 बनाए थे 15 बॉल में, रमनदीप सिंह प्रमोट किया गया था 35 की जबरदस्त पारी खेली थी बट बॉलिंग नहीं करी थी, रसल ने मैच विनिंग पारी खेली थी 64 नो डाउट बनाए थे 25 बॉल में प्लस 2 विकेट निकाली थी, स्टार्क 4 ओवर 53 रन 0 विकेट, भैया बहुत पैसे दिए हैं बट फर्स्ट मैच अच्छा रहा नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं रहा, हेनरिक क्लासन ने इनको 26 मार दिए एक ही ओवर में, 90 दैट इज 19th ओवर, और आखिरी के ओवर में सिर्फ 13 रन की जरूरत थी, सिर्फ 13 रन की, हमारे भाई साहब हर्षित राणा ने आके मैच जिताया था, 2 विकेट्स निकाले थे, 13 रन को डिफेंड किया था। ठीक है, 3 विकेट्स पूरे मैच में निकाले थे, बहुत बढ़िया बॉलिंग रही थी, पहले मैच की वीडियो में बहुत क्लियरली बोला था कि इज वेरी गुड पेसर, वरुण चक्रवर्ती को एक ही विकेट था और सुयश शर्मा 2 ओवर बॉलिंग करी थी, विकेटलेस रहे थे, बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है, पेसर्स इनके सॉर्टेड है, स्पिनर्स इनके बहुत बढ़िया है, बैटिंग में इनके पास डेप्थ है, इंडियन प्लेयर्स है, ये टीम अच्छी लग रही है, अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेले तो इस साल बहुत अच्छा कर सकती है। सबका रिसेंट फॉर्म देखना है, स्टैट्स देखने हैं, यू कैन गो थ्रू वन बाय वन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल, आपके सामने है, आप ले सकते हो। ठीक है, लगने मुजीबुर रहमान रूल आउट हो चुके टूर्नामेंट से, 16 ईयर्स बंदे को इन्होंने इंडियन प्लेयर को इन्होंने एज अ रिप्लेसमेंट ऐड किया अपने टीम में, बट नहीं खेलेंगे ऑब्वियसली,
और कोई प्लेयर देखना चाहो देख सकते हो। अनुकूल राय का फॉर्म अच्छा है, नोट करके चलिएगा। और ठीक है, श्रेयस शर्मा ऑलरेडी खेल ही रहे हैं और ये पिछले सीजन के स्टैट्स है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड ऑल यू कैन टेक, ठीक है। और उसके बाद आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। हम लोग बढ़ते आगे बात करते हैं प्लेयर मैचअप्स के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लेयर मैचअप्स की बात करें तो फिलिप साल को देखोगे, मैक्सवेल ने 19 बॉल में 14 रन देके 2 बार आउट किया हुआ है, तो दैट इज इंटरेस्टिंग, राइट। अल्जेरी जोसेफ एक बार आउट कर चुके 27 बॉल में, बट रन बहुत पड़े 46 रन। करण शर्मा ने भी इनको एक बार आउट किया हुआ है, ठीक है। वेंकटेश अय्यर, अल्जेरी जोसेफ इनको एक बार आउट कर चुके हैं और किसी के सामने आउट नहीं हुए, बट थोड़ा सा देखोगे तो सैंपल साइज उतना बड़ा है नहीं। सिराज के सामने थोड़ा स्ट्रगल है, 30 बॉल में सिर्फ 23 रन है, ठीक है। श्रेयस अय्यर, सिराज इनको 2 बार परेशान कर चुके हैं, 2 बार आउट कर चुके हैं, 31 बॉल में सिर्फ 32 रन दिए। अल्जेरी जोसेफ के सामने भी एक बार आउट हुए, 16 बॉल में सिर्फ 18 रन बनाए। फर्ग्यूसन के सामने भी एक बार आउट हुए, 28 बॉल में सिर्फ 36 रन बनाए। यश दयाल इनको 4 बॉल में एक बार आउट किया हुआ है, करण शर्मा के सामने आउट नहीं हुए। चारों पेसर्स ने इनको परेशान किया हुआ है, श्रेयस अय्यर, ठीक है। नीतीश राणा, सिराज इनको एक बार आउट कर चुके हैं, करण शर्मा इनको एक बार आउट कर चुके हैं, फर्ग्यूसन इनको 2 बॉल में एक बार आउट कर चुके हैं, जोसेफ इनको 10 बॉल में एक बार आउट कर चुके हैं, मैक्सवेल इनको 10 बॉल में एक बार आउट किया हुआ है। मैक्सवेल और नीतीश राणा वैसे भी मिडिल ऑर्डर में एक इंटरेस्टिंग बैटल आपको देखने को मिल सकता है, तो नोट करके चलिएगा। रिंकू सिंह, यश दयाल इनको एक बार आउट कर चुके हैं और किसने आउट नहीं किया, बट यश दयाल को ऑब्वियसली यार कैसे, मतलब आप तुरंत याद आ जाता है, 5 बॉल में 5 सिक्सेस तो इन्होंने तो मारे थे। उसके बाद थोड़े से रेट्स यश दयाल के नीचे गए थे, फिर से ऊपर आए हैं, ये बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। फिर से अगर आमने सामने आए ना तो फिर यश दयाल के दिमाग में वो चीज रहेगी और पूरी कोशिश करेंगे कि इनको आउट करे। और रिंकू सिंह भैया, रिंकू सिंह बहुत तगड़े फॉर्म में है। रसल सिराज इनको 2 बार आउट कर चुके हैं 19 बॉल में, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट्स। और जोसेफ इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, 28 बॉल में 56 रन पड़े हैं। करण शर्मा ने एक ही बॉल डाला है, उसमें आउट किया है रसल को। यश दयाल को 2 रन पड़े हैं, लॉकी फर्ग्यूसन को 7 बॉल में 8 रन पड़े हैं, ठीक है, रसल की ओर से। तो ये हुए केकेआर के बैटर्स की बात, अब हम लोग चलते हैं आरसीबी की बैटर्स की ओर। तो डुप्लेसिस, ठीक है, डुप्लेसिस की बात करें तो रसल इनको 51 बॉल में 86 रन देके 4 बार आउट कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट्स, ठीक है। सुनील नारायण ने 67 बॉल में सिर्फ 53 रन देके 2 बार आउट किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्क इनको एक बार आउट कर चुके 42 रन देके। वरुण चक्रवर्ती ने एक बार आउट किया है 42 रन देके। श्रेयस शर्मा ने एक ही बॉल डाला है, उसमें भी आउट किया हुआ है। चेतन साकरे के सामने 10 बॉल में 17 रन है। विराट कोहली, ये इंटरेस्टिंग है, 145 बॉल्स 141 रन, 4 बार आउट कर चुके विराट कोहली को सुनील नारायण, इंटरेस्टिंग। रसल इनको 3 बार आउट कर चुके, बट 74 बॉल में 116 रन पड़े, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती एक बार आउट कर चुके, 33 बॉल में सिर्फ 31 रन दिए, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। श्रेयस शर्मा के सामने 10 बॉल में 20 रन है, ठीक है। और मिचेल स्टार्क के सामने 28 बॉल में 47 रन है विराट कोहली की ओर से। मैक्सवेल, सुनील नारायण इनको 4 बार आउट कर चुके, 86 बॉल में 94 रन देखिए। वरुण चक्रवर्ती ने भी 24 बॉल में 3 बार आउट किया है। स्टार्क इनको एक बार आउट कर चुके, 42 रन देखिए 30 बॉल में, बट रन पड़े हैं। और रसल के सामने बहुत अच्छे स्टैट्स है, 41 बॉल में 66 रन। रजत पाटीदार, वरुण चक्रवर्ती प्लस श्रेयस शर्मा दोनों स्पिनर्स ने को एक एक बार आउट किया हुआ है। अनुज रावत को भी सेम, वरुण चक्रवर्ती प्लस श्रेयस शर्मा दोनों ने एक एक बार आउट किया हुआ है सस्ते में। दिनेश कार्तिक को सुनील नारायण एक बार आउट कर चुके, बट 57 बॉल में 68 रन दिए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 5 बॉल में एक बार आउट किया, श्रेयस शर्मा ने भी 7 बॉल में एक बार आउट किया है। तो मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, तो ये थोड़ा नोट करना, फिर से डोमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग एक्सचेंज 22 की। तो चलते हैं हम लोग बैंगलोर से कोलकाता वाले मैच में, देखते हैं हम क्विकली यहाँ पे किस प्लेयर को बाय या फिर सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा है बैंगलोर की ओर से, टू बी ऑनेस्ट, बट हम लोग चलते हैं कोलकाता की ओर। तो एक तो पहला आप मैं सजेशन करूंगा कि रिंकू सिंह को आप 30 में बाई कर सकते हो, 30 रुपीज में बाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा नीचे चलोगे तो हर्षित राणा को बाई कर सकते हो 25 में, अगर पहले बॉलिंग आती है कोलकाता की। वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, बट 23 में उनको भी बाई आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा रिस्क लेना है देन बैटर्स पे रिस्क ले लो, अगर अच्छा दिन रहा। रसल का फॉर्म बहुत तगड़ा है तो 45 में आप उनको बाय कर सकते हो। और रही बैंगलोर की ओर, तो विराट और फैप इन दोनों में से आप किसी एक को बाय कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि इनका दिन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली इनके लो इनके साथ आप लोग जा सकते हो, ठीक है। वही बात करें अब हम लोग गिव अवे की, तो गिव अवे के लिए सिंपली आपको करना कि आपको मल्टीबैगर सेक्शन में जाना है, ये लिस्ट चेक करनी है और ये आपको प्रेडिक्ट करना है कि इस लिस्ट में से ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जो इस मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स देगा, ये आपको प्रेडिक्शन करना है। कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जाके आपको उस प्लेयर का नाम डाल देना है, कितने पॉइंट्स देगा ये मेंशन कर देना है। हमारे चैनल का आपको एक्स्ट्रा Fantasy11Circle, ये आपको हैशटैग के साथ डाल देना है कमेंट सेक्शन में। ये तीन चीजें अगर आपकी होगी
तो और आपका प्रेडिक्शन अगर सही होगा तो आपके एक्सचेंज 22 के वॉलेट में कैश अमाउंट ऐड कर दी जाएगी। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है, कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में लिंक है, जल्दी से डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करो, वन ऑफ द बेस्ट है। सच अगर सही अगर मानो तो ये अगर डाउनलोड कर लोगे तो इसके बाद इसी पे खेलो। दोस्तों बनाते हैं हम लोग स्मॉल लीग टीम। स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो, 8 प्लेयर्स अपने स्मॉल लीग टीम में ले चुका हूं। अभी हमें लेने हैं और 3 प्लेयर्स, ठीक है। फाइनल हम और 3 प्लेयर्स को लेंगे, हमारे स्मॉल लीग टीम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ मैं आपको ग्रैंड लीग के भी डिफरेंशियल पिक्स बता दूंगा, किसे पिक करना, किसे टॉप करना, वो भी बता दूंगा। तो वीडियो पे बने रहो, ठीक है। तो बढ़ते आगे, बात करते हैं हम लोग और कौन से 3 प्लेयर्स ले सकते हो। तो विकेट कीपर सेक्शन में स्मॉल लीग के हिसाब से साल्टी एक अच्छा ऑप्शन है। अनुज राउत की बैटिंग ऑर्डर नीचे, दिनेश कार्तिक की बैटिंग ऑर्डर नीचे, तो ज्यादा उतने इंप्रेसिव रहेंगे नहीं या फिर इफेक्टिव रहेंगे नहीं। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बैटिंग में 3 बैटर्स ले चुके हैं, रिंकू सिंह, फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली। इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी एक अच्छी पिक रहेंगे, ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है इनका ये मैच अच्छा जाएगा, तो मैंने पिक कर लिया। अब आपके आ गए ग्रैंड लीग पिक्स, इवन डिफरेंशियल पिक्स फॉर द स्मॉल लीग। वेंकटेश अय्यर, ठीक है, सिलेक्शन देखो इनका 17%, नितेश राणा 16%, रजत पाटीदार 10%। ये 3 प्लेयर्स है जो आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। आपको ग्रैंड लीग विराट कोहली नहीं जिताएंगे, फैफ नहीं जिताएंगे, दरअसल नहीं जिताएंगे, क्योंकि ये तो सबके पास है, ये सबके पास होंगे। 90-90% से सिलेक्शन है सबका, तो ये तो सबके पास होंगे। ये जो 17-18-10% सिलेक्शन वाले प्लेयर्स है, ये जब अच्छा करते हैं तब ग्रैंड लीग में रैंक जाती है ऊपर। तो इन प्लेयर्स को ट्राई करोगे बेस्ट है। वेंकटेश्वर 1 डाउन आते हैं, नीतीश राणा 2 डाउन, 3 डाउन आएंगे, रजत पाटीदार 1 डाउन आते हैं। तो सोचो इसमें से किसी ने सेंचुरी मार दी और आपका कैप्टन निकला, तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले। तो ट्राई करो, डेफिनेटली ट्राई करो। ऑलराउंडर में रसल, मैक्सवेल, सुनील नारायण, तीनों को मैं ले चुका हूँ। कैमरन ग्रीन इज द ऑप्शन, मोस्टली पब्लिक ले रही है, 74% पब्लिक ने लिया भी है। आई फील कि इस मैच में शायद से नंबर 3 पे नहीं आएंगे, अगर आते भी है तो उतने सक्सेसफुल शायद से ना रहे। बॉलिंग में पॉइंट्स दे सकते हैं, बट मुझे वो डर है क्योंकि सामने श्रेयस अय्यर थोड़ा बाउंसर के सामने स्ट्रगल करते हैं, नीतीश राणा करते हैं, रसल करते हैं, तो फिर कैमरन ग्रीन से उस तरीके से बॉलिंग करवाई जाएगी, बट बैटिंग से उम्मीद नहीं रहेगी मुझे, ठीक है। तो अगर बॉलिंग में इनको ठीक ठाक ओवर्स मिले, अच्छा सा यूज हुआ, तो ये इफेक्टिव है, वरना फिर ये फेल है। अभी के लिए तो मैं लेके चल रहा हूँ। सुनील नारायण को इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ओपन करेंगे, इनको आरसीबी पसंद है। मुझे याद है एक मैच 6 ओवर में 100-125 रन मार दिए थे इन्होंने एज अ ओपनर आके आरसीबी के अगेंस्ट, तो फिर वो है सीन। और रमनदीप सिंह ग्रैंड लीग में ट्राई करना। बॉलिंग में मोहम्मद सिराज को मैं ले चुका हूँ। अभी आपके पास लास्ट ऑप्शन में लेना है, ऑप्शन में विचार स्टार्क है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पी के ले लो। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ले लो। बट अगर आपको याद होगा केकेआर के पहले मैच में मैंने आपको टेलीग्राम पे जब बोला था फाइनल प्लेयर एज अ मिचेल स्टार्क, बट मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं था। 5 ही पॉइंट दिए थे, मुझे पता था कि अच्छा नहीं करने वाला था बंदा, अच्छा नहीं किया। इस मैच में मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं करेगा। पहले केकेआर की बॉलिंग है तो लेके चलो, बिकॉज डेप्थ में बॉलिंग करेंगे। सेकंड बॉलिंग है तो छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है। ग्रैंड लीग में तो डेफिनेटली छोड़ना। उसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शंस में, जैसे बैटिंग में ऑप्शंस थे डिफरेंशियल पिक्स, वैसे ही हर्षित राणा सिर्फ 35% सिलेक्शन, 3 विकेट्स निकाली थी। वरुण चक्रवर्ती 23% सिलेक्शन, अल्जारी जोसेफ अगर खेलते हैं तो ये भी डिफरेंशियल पिक रहेंगे। यश डायर एक डिफरेंशियल प्लेयर है, लॉकी फर्गिसन अगर ओवर अल्जारी जोसेफ खेल जाते तो फिर ये स्मॉल लीग के लिए भी एक अच्छे पिक बन जाएंगे, बिकॉज ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो ये नोट करना, मैं अभी के लिए हर्षित राणा को ले रहा हूँ, तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ मिचेल स्टार्क को, मैंने लिया हर्षित राणा को। और इस तरीके से कुछ बनती है मेरी स्मॉल लीग की टीम, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन से अगर हम लोग बात कर ले तो 4 ऑप्शंस मैं सोच रहा हूँ, ये 4 पिक्स फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन से, रसल, मैक्सवेल, फैफ डुप्लेसिस एंड विराट कोहली, ठीक है। जिसमें से मेरी कैप्टनसी जा रही है एंड्रयू रसल को, वाइस कैप्टनसी में दे रहा हूँ विराट कोहली, ठीक है। ये हुए मेरे स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी फैफ, मैक्स, इनके साथ भी आप जा सकते हो। ग्रैंड लीग की अगर हम लोग बात करें तो ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टनसी में ये 2 पिक्स हो गए फ्रॉम आरआर, सॉरी केकेआर साइड। ऑब्वियसली फिलिप साल्ट एज अ ग्रैंड लीग कैप्टन बहुत सॉलिड खेलते हैं, ठीक है, इनको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 हो गए उनके साइड से, और फैप वगैरह हो गए फिर के आरसीबी के साइड से, इनको आप लोग ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ये दोस्तों फाइनल टीम नहीं, ऑब्वियसली फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जो भी पुराने मेंबर्स उनको पता है, जो नए मेंबर है वो भी सुन लो कि फाइनल टीम ये नहीं है। फाइनल टीम तो टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद मिलेगी, जब दोनों टीमों की लाइनअप आ जाएगी तो फाइनल टीम लोग बनाएंगे, एक दो चेंजेस ऊपर नीचे होंगे और फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और वहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट भी रेगुलरली कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत चल रही है तो यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, वीडियो को लाइक करना बनता है, तो दोनों चीजें जल्दी से करो, बेल आइकन को प्रेस करो, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।